मैं हूँ मेघना, लोकमत हिंदी न्यूज पे आप देख रहे हैं फिल्मी चुस्की। आई डालते हैं मनोरंजन की खबर पर एक नजर। लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर 2018 में छाया बॉलीवुड, करीना और अक्षय को मिला स्पेशल अवार्ड। लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड में हर साल की तरह इस साल भी बॉलीवुड से लेकर समाज सेवा करने वालों को सम्मान से नवाजा गया। अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे। इस समारोह में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी शिरकत की। देवदास फिल्म से बॉलीवुड में गाने की शुरुआत करने वाली श्रेया घोषाल के साथ करीना को बेस्ट पावर आइकन के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। दीपिका पादुकोण से शादी की खबरों पर पहली बार बोले रणवीर सिंह, बहुत दिनों से हो रही थी शादी की चर्चाएं। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह लंबे टाइम से अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दीपिका और रणवीर की शादी इसी साल सितंबर से दिसंबर के बीच हो सकती है। हाल ही में इन खबरों पर पहली बार रणवीर ने एक एंटरटेनमेंट साइट को दिए इंटरव्यू में अपनी चुप्पी तोड़ी। शादी की खबरों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, अभी मैं और दीपिका दोनों ही अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं। काम के अलावा दीपिका फिलहाल बैक पेन की प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। इस वजह से हम दोनों काफी घिरे हुए हैं और डिस्ट्रैक्ट हैं। अगर शादी को लेकर आने वाले टाइम में ऐसी कोई अनाउंसमेंट होती भी है तो मैं खुद छत पर खड़े होकर और चिल्लाकर सबको बताऊंगा। कपिल शर्मा की एक्स गर्लफ्रेंड की बहन ने कपिल को लिखा खत, कहा हम आपके साथ हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनके नए शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा की हालत देखते हुए कपिल की एक्स मैनेजर और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रीति सिमोन की बहन नीति ने उनकी मदद करने का जिम्मा अपने सर लेने की ठान ली है। बता दें कि कपिल ने पुलिस में दोनों बहनों के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी, फिर भी नीति सिमोन ने उनके बुरे दौर में उनका साथ देने की ठानी है। नीति सिमोन ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम परवाह करते हैं आपकी, हम आपको इस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपके हालातों को देखकर मेरा परिवार काफी इमोशनल हो गया था। हम आपके साथ एक टीम की तरह काम करना चाहते हैं और चीजों को दोबारा सुलझाने की कोशिश करना चाहते हैं। 100 करोड़ के बाद अब 150 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली है टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म बागी 2 का बॉक्स ऑफिस पर कमाल जारी है। अहमद खान के निर्देशन में बनी ये फिल्म 30 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और एक हफ्ते से भी कम वक्त में इसने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ले ली थी। फर्स्ट डे कलेक्शन के मामले में संजय लीला भंसाली की निर्देशित फिल्म पद्मावत तक को इसने मात दे दी है। फिल्म ने अब तक कुल 135 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म दूसरे हफ्ते में अब तक कुल 22 करोड़ 5 लाख रुपए का बिजनेस कर पाने में कामयाब रही है। उन्नाव रेप केस पे बॉलीवुड का आ रहा है रिएक्शन। ऋचा चड्ढा ने कहा, बेटी बचाओ नहीं बेटी हम ही से बचाओ का होना चाहिए नारा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आने के बाद चारों ओर बीजेपी की आलोचना हो रही है। इसी दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ऋचा चड्ढा ने भी सरकार पर तंज कसते हुए महिलाओं से जुड़ी एक योजना का नारा बदलने की सलाह दे डाली है। ऋचा ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए कहा कि डियर सरकार, कृपया करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना का नाम बदलकर बेटी हम ही से बचाओ कर देना चाहिए। बॉलीवुड के ऐसे ही चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकमत न्यूज.in के साथ। तब तक मैं लेती हूँ आपसे विदा, बाय।